Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 101,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपये इसके लिए रखा गया है और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे उनको मद्देनज़र, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्ञान क्षेत्र से संपर्क रखने वाले हैं, चाहे वो टूरिज़्म, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स या बाकी सब उसमें आते हैं, उसको इसमें ऑलरेडी कवर किया गया है। 4,000 करोड़ तक के उसको इसमें लाभ दिए गए हैं, उसको आगे भी इसको ऐसे जारी रखा जाएगा। ओवरऑल इसकी जो कैप है या सीमा है, एडमिसिबल गारंटी जो स्वीकार्य गारंटी की है, वो अब 3,00,000 करोड़ से बढ़ाकर 4,50,000 करोड़ कर दी है। 3,00,000 करोड़ में यानी कि 50% की और वृद्धि करके 4,50,000 करोड़ रुपये इसको किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ कारोबार व्यवसाय करने वालों को मिलेगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। जो कोविड से प्रभावित क्षेत्र हैं उसको मददगार साबित होगी, इसमें कार्यशील पूंजी भी आपको मिलेगी, व्यक्तिगत ऋण अगर आपने लिए होंगे उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा और इससे जो पर्यटन सेक्टर से प्रभावित लोग हैं वो अपने देनदारी का निर्वहन कर सकें, उस दृष्टि से इस योजना को लाया गया है। वो अपना वापस व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सकें उस दृष्टि से इसको लाया गया है, या कोई नया कारोबार भी शुरू करना चाहे तो उस दृष्टि से उसकी मदद करेगा। इसमें कुल मिलाकर 10,700 जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं राज्यों में भी, उनको इसका लाभ मिलेगा। राज्यों की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है और जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स हैं जो लगभग 904 हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 100% गारंटी इसकी हमारी तरफ से दी जा रही है और इसमें 10,00,000 रुपया जो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज़्म स्टेक होल्डर है उनको मिलेगा, प्रति एजेंसी को इतना उसको मिल सकता है, और 1,00,000 रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया उनको होगा। इनको ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और फोरक्लोजर के लिए भी इनके लिए या पूर्व भुगतान करने के लिए भी जो शुल्क होता है उससे भी इनको छूट दी गई है। विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीज़ा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले उसमें पहले 5,00,000 जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5,00,000 टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीज़ा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों, औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहाँ पर आता है वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है, प्रतिदिन औसतन वो लगभग 2,400 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीज़ा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5,00,000 टूरिस्ट को इसको वीज़ा शुल्क माफ़ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं, उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
जिसको पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। ये एक प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाए थे कि एक तो नए रोजगार का सृजन हो और जिनका रोजगार चला गया उनको वापस रोजगार देने के लिए उनको अवसर मिले। इसका कुल मिलाकर जो आउटले रखा गया था वो 22,810 करोड़ था। 58.50 लाख इसके कुल बेनिफिशरीज थे जिनको इसका लाभ मिला और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थी वो 30 जून 2021 था। इसमें जो सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई 2 साल के लिए नए एम्प्लॉयज़ की काम करने वालों के लिए, मंथली वेज इनका जिनका 1 महीने की तनख्वाह 15,000 से कम हो उसको इसके लिए लिया गया था। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उस पर नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का जो शेयर होता है उसका हिस्सा होता है 24% होता है। और इसमें तय किया गया था कि जिस कंपनी के 1,000 तक के एम्प्लॉयज़ हैं उनका नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का दोनों का 24% शेयर जो है वो हम करेंगे। और इसके अलावा जो 1,000 से ज़्यादा के जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पर काम करने वाले 1,000 से ज़्यादा हैं, वहाँ पर नौकरी करने वाले का 12% शेयर जो है उसको हमारे द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 902 करोड़ रुपये अब तक दिए जा चुके हैं। 21.42 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और 79,577 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको इसका लाभ 18/6/2021 तक मिला। अब इस योजना को आगे एक्सटेंड किया गया है, आगे इसको बढ़ाया गया है, 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक इसकी समय अवधि की गई है। कृषि के क्षेत्र में रवि विपणन सीजन 2020-21 में जहां 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी उसके मुकाबले 2021-22 में रिकॉर्ड रवि विपणन की खरीद हुई। सीज़न अगर देखा जाए, रवि विपणन सीज़न को देखा जाए तो उसमें 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि 2020-21 में 389.92 लाख 399.92 लाख खरीद हुई थी, 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी 2020-21 में। तो 21-22 में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 432.48 लाख मीट्रिक टन हुई है। किसानों को इसके लिए 85,413 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी जो है उसको भी वित्त वर्ष 2020-21 में जहां पर 27,500 करोड़ का भुगतान किया गया था, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में उसको बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 27,500 करोड़ से बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। अतिरिक्त राशि 14,775 करोड़ रुपये इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें से 9,125 करोड़ एडिशनल सब्सिडी जो है वो DAP के लिए है और 5,650 करोड़ रुपये की एडिशनल अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो NPK बेस्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के लिए। जन स्वास्थ्य के लिए आपदा के समय 23,220 करोड़ रुपये का और प्रावधान किया गया है, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। COVID-19 के समय पिछले वर्ष भी जब 15,000 करोड़ रुपया एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए दिया गया था तो उससे बहुत लाभ मिला है। 25 गुना वृद्धि हमारी कोविड समर्पित अस्पतालों में हुई, 7,929 कोविड हेल्थ केयर सेंटर बने, 9,954 कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, 7.5 गुना वृद्धि ऑक्सीजन युक्त बेड्स की इसके माध्यम से हुई, 42 गुना वृद्धि आइसोलेशन बेड्स की इसके माध्यम से हुई और 45 गुना वृद्धि ICU बेड्स की हुई, जो 15,000 करोड़ रुपया एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज प्रोजेक्ट के लिए 2020-21 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया था। आने वाले समय के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य योजनाओं को
तैयार किया जाए और आपातकाल स्थिति के लिए उस तैयारी को ज़्यादा करना, विशेष तौर पर बच्चों के लिए, और बाल चिकित्सा देखभाल, बाल चिकित्सा विस्तार पर इसको रोड मैप उसको बनाकर ध्यान दिया गया है। इसके लिए छोटी अवधि के लिए, लघु अवधि के लिए, मानव संसाधन की वृद्धि के लिए, पूर्ति के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हमारे मेडिकल के छात्र हों, हमारी नर्सेस हों, इनको भी इसमें इनका योगदान किया जा सकता है। और इसके अलावा जो आईसीयू बेड्स विशेष तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर उनको बनाने के लिए या बाकी क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर की जाए, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य उपकरण, दवाइयाँ, इनका पर्याप्त उपलब्धता हो और जनता की पहुँच टेली कंसल्टेशन तक, एम्बुलेंस सर्विसेज तक हो, इसको भी इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। और टेस्टिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपने देखा है इसकी रोकथाम के लिए टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। और जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसको भी सपोर्ट करने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि निगरानी और जीनोम अनुक्रम जो है उसकी भी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस बजट का फ़ायदा हो सकता है, इस योजना का फ़ायदा हो सकता है।